हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द होम एकेडमी। इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर साइंस के जो बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं वो JKSSB के पेपर में 20 मई 2018 को वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हमने जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो ये थर्ड पार्ट होगा सॉल्व पेपर का। तो जो पहले ये मैं बता दूं, जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए हैं, कोई टफ नहीं है। एक दो क्वेश्चन जो है जिनमें ज़रा सी कन्फ्यूजन वाले लग रहे हैं मुझे, बट ओवरऑल जो है बहुत इजी था। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड नंबर्स और लेटर्स विच यूजुअली अपीयर लिटिल और अबोव द नॉर्मल टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड एज। पूछा गया है एमएस वर्ड की बात कर रहा है, वर्ड की जो नंबर और लेटर यूजुअली जो हमको दिखते हैं कि किसी बड़े नंबर के साथ एक छोटा सा लगा हुआ है जिसे हम सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, उसी के बारे में क्वेश्चन है। बोला गया है यहाँ पर जो लिटल अबो द नॉर्मल टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट इज, अबो के बारे में पूछा है। जो अबो होता है वो सुपर स्क्रिप्ट होता है, अगर नीचे होगा लोअर होगा तो सबस्क्रिप्ट है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ए है, क्योंकि अबो का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ मुँह कर रहे हैं। द चीफ कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, पूछा गया है चीफ कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वाज। तो जो मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की वीडियो डाली थी, एक दो ही वीडियो मैंने डाली थी कंप्यूटर की, ज़्यादा नहीं, तो उसमें ये बात को मैंने डिस्कस किया था और बहुत अच्छे से किया था। तो द चीफ कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्स। तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इन MS Excel शॉर्टकट की Ctrl+L इज़ यूज्ड। तो शॉर्टकट कीज़ के बारे में पूछा गया है। Ctrl+L जो है कि जो हमने ब्लॉग लिखा था, जो जिन्होंने हमारी वेबसाइट पे विज़िट किया होगा ब्लॉग पे, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कीज़ के डाले हुए थे। तो MS Excel शॉर्टकट की जो है Ctrl+L है, उसके बारे में पूछा गया है कि वो किस काम आती है। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज़ द फॉन्ट साइज़, ऐसी बात कोई नहीं। डिक्रीज़ द फॉन्ट साइज़, ऐसी बात भी नहीं है। मेक द टेक्स्ट इटैलिक, जी हाँ, जो टेक्स्ट है या तो वो इटैलिक बनाने के लिए या तो इटैलिक को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो Ctrl+L जो है वो मेक द टेक्स्ट इटैलिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज रिक्वायर्ड टू गेट एन इंटरनेट कनेक्शन थ्रू ए वायर्ड चैनल। पूछा गया है वायर्ड चैनल से इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अचीव करना है, तो वो कौन सा डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो मुझे लग रहा है NIC कार्ड ही होगा। तो NIC होता क्या, एक्चुअली NIC जो कार्ड होता है इज़ अ नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू ए कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर पैटर्न इन लार्ज डाटा सेट्स। तो वो कौन सा फील्ड है कंप्यूटर का जो कि अटेम्प्ट करता है टू डिस्कवर पैटर्न इन लार्ज डाटा सेट। तो उसको हम डाटा माइनिंग कहते हैं। डाटा माइनिंग इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर विच अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर पैटर्न इन द लार्ज डाटा सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन कंप्यूटर स्टार्टअप विच प्रोग्राम लोकेट्स एंड लोड कर्नल्स इन टू द मेमोरी ऑफ द फॉर एग्जीक्यूशन। ऑन कंप्यूटर स्टार्ट, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, स्टार्टअप होता है, विच प्रोग्राम लोकेट्स एंड लोड कर्नल्स इन टू द मेन मेमोरी ऑफ द एग्जीक्यूशन। तो मुझे लग रहा है जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, बूटस्ट्रैप। तो आपको ये पता होना चाहिए बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो होता है इज़ द प्रोग्राम डेट इनिशलाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग अ स्टार्टअप। तो ये इनिशलाइज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी भी, जब भी स्टार्टअप करना होगा। ये जो टर्म है बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैपिंग ओरिजिनेटेड इन अर्ली 1950, इट रेफर टू ए बूटस्ट्रैप लोड बटन डेट वाज यूज्ड टू इनिशिएट ए हार्डवायर्ड बूटस्ट्रैप प्रोग्राम और अ स्मॉलर प्रोग्राम डेट एग्जीक्यूटेड अ लार्जर प्रोग्राम सच एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स होती है जैसे कि कोल्ड बूट पढ़ते हो आप, वार्म बूट पढ़ते हो। व्हेन ए सिस्टम इज बूटी फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज़ टर्म्ड एज अ कोल्ड बूट। और जो दूसरा वे होता है वो हार्ड बूट होता है। द अनदर वे ऑफ बूटिंग द कंप्यूटर इज वार्म बूट व्हेन द सिस्टम इज ऑलरेडी ऑन बट हैंग्स अप, तो उसे हम वार्म बूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लेन टेक्नोलॉजी विच ऑपरेट्स वायरलेस। तो उस टेक्नोलॉजी, लेन की जो टेक्नोलॉजी है उसे आइडेंटिफाई करना है विच ऑपरेट वायरलेस। तो वायरलेस है यहाँ पर, ये पॉइंट ये आपको नोट करना चाहिए।
तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लेन, मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया था इसके बारे में अच्छे से। लेन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो ए लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क डैट इंटरकोनेक्ट्स अ कंप्यूटर विद इन अ लिमिटेड एरिया, जो सिर्फ लिमिटेड एरिया में ही कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, चाहे वो फिर वाईफाई से, जैसे आप घरों में कनेक्ट करते हो, स्कूलों में कनेक्ट करते हो, लेबॉरटरी, यूनिवर्सिटी कैंपस या बैंक, इन चीज़ों में जो कनेक्ट करते हैं ना, तो बट लोकल एरिया में जो कनेक्ट करे उसे समझ लो लेन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा है वायरलेस से कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है टोकर रिंग्स, देखिए टोकर रिंग्स है, इथरनेट है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस है या ब्लूटूथ है। तो ये सारे जो है ब्लूटूथ, मगर ये जो है जो भी है ये क्या बोलते हैं, ये लेन की टेक्नोलॉजी ही है। टोकर रिंग्स बहुत पहले यूज़ किया जाता था, इथरनेट भी किया जाता था, तो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस भी है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो सकता है एक तो वो इथरनेट हो सकता है, मगर यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन है, इथरनेट वायरलेस भी आती है और वायर्स केबल भी आती है, इथरनेट केबल भी आती है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया वायरलेस, तो इथरनेट केबल्स भी आती हो, इथरनेट वायरलेस केबल भी आती है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते इस ऑप्शन को, क्योंकि ये पहले आ रहा है, दूसरे नंबर पे ही आ रहा है। फिर जैसे ब्लूटूथ है, अब वाईफाई अगर होता तो हम पता था कि वाईफाई आंसर होता, वाईफाई टीथरिंग पोर्टेबल होती है, मगर आजकल जो है वो ब्लूटूथ टीथरिंग भी शुरू हो गई है, ब्लूटूथ से भी इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है। तो मगर आइडेंटिफाई द लेन टेक्नोलॉजी विच ऑपरेट वायरलेस, तो ब्लूटूथ भी ऑप्शन हो सकता है, इथरनेट भी हो सकता है, तो देखते हैं ऑफिशियल की में क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेट द कंप्यूटर बूट विच आर द फॉलोइंग इज एसेंशियल, टू गेट द कंप्यूटर बूट विच आर द फॉलोइंग इज एसेंशियल। तो आपको ये पता होना चाहिए बूटिंग होता क्या है। बूटिंग इज अ टर्म डैट मीन्स स्टार्टिंग द कंप्यूटर या तो सिस्टम को स्टार्ट करना। ड्यूरिंग डैट प्रोसेस मैनी स्मॉल रूटीन्स आर रन एंड मैनी प्रोग्राम्स आर लोडेड इन द मेमोरी। तो एक जैसा बहुत से प्रोग्राम जो है उन्हें लोड करना पड़ता है मेमोरी में। ऑल द हार्डवेयर ऑन द सिस्टम इज कॉन्फिगर्ड सो डैट द सिस्टम कैन स्टार्ट इज वर्किंग वेल। बूटिंग ऑफ द सिस्टम इज डन इन टू वेज, कोल्ड बूट एंड हॉट बूट। तो प्रोग्राम को लोड करना पड़ता है जिसके लिए हमको बूट लोडर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पर बताता चलूँ बूट लोडर क्या होता है। इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्राम डैट लोड और स्टार्ट अ बूट टाइम टास्क एंड प्रोसेसेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम और द कंप्यूटर सिस्टम। तो इसी के बाद जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर लोड हो सकता है। पहले तो बूट लोडर हमें चाहिए। जब भी हम कभी जैसे विंडोज़ आप चेंज करते होंगे, अपनी पुरानी विंडोज़ को अगर आपने हटाना है, विंडोज़ 7 को हटा रहे हो, विंडोज़ 8 डाल रहे हो, तो आपको पहले बूटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। बियॉस का होता है एक चीज़, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, चलो वो आपके काम की चीज़ नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि बूट लोडर जो है इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्राम डैट लोड और स्टार्ट अ बूट टाइम टास्क एंड प्रोसेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम और द कंप्यूटर सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी मेरे पास है, पेन ड्राइव कैन बी कैटेगराइज टू, पेन ड्राइव को कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो हम ये जानते हैं जो पेन ड्राइव है एक एक्सटर्नल डिवाइस है। जब भी हम पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाते हैं, अपने सिस्टम पे लगाते हैं, तो हमें ये शो करता है कि रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको सीधे पता चल रहा है कि एक तो रिमूवेबल है, नेक्स्ट जो है प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है अभी ओ या वॉलेटाइल है, ये आपके पास एक ऑप्शन है। तो एलिमिनेशन का मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा रिमूवेबल जो मीडिया है वो ऑप्शन ए है, ए और सी में दिया गया है। अब हमारे पास जो है बी और डी है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी का अब हमें ये देखना है, या प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो जानने से पहले मैं थोड़ा सा बेस में जाता हूँ। मेमोरी एक्चुअली मेमोरी यूनिट होता क्या है, मेमोरी यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ सीपीयू एंड सो प्रोवाइड द इंटरनल स्टोरेज ऑफ द डाटा इन द कंप्यूटर। बेसिकली द मेमोरी यूनिट कॉन्सिस्ट ऑफ मेमोरी चिप विच स्टोर द डाटा एट द प्राइमरी स्टेज। तो यहाँ पर याद रखना प्राइमरी स्टेज में मेमोरी चिप है वो डाटा स्टोर करती है। एवरी कंप्यूटर सिस्टम हैज़ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी मेमोरी। इट मीन इफ मोर मेमोरी इज रिक्वायर्ड इट टेक्स ऑन डिमांड इन द फॉर्म ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। तो फिर हम हार्ड डिस्क खरीदते हैं या कुछ पेन ड्राइव्स खरीदते हैं, तो यहाँ से आपको ये पता चल सकता है कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें आपके पास जैसे कि रैम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आती है, रीड ओनली मेमोरी आती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज मेमोरी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर द डाटा परमानेंटली फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस टाइप ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज सेकेंडरी मेमोरी और द ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इधर भी बहुत सी टाइप्स होती है स्टोरेज डिवाइसेस की, ठीक है, जैसे कि मैग्नेटिक टेप्स आते हैं, मैग्नेटिक डिस्क आती है, ऑप्टिकल डिस्क आती है, ये जो चीज़ें होती है ये स्टोरेज में आती है। होप आपको
जो भी अगर कोई लगता है कि कोई ऑप्शन गलत कहा, ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर किसी में कोई परेशानी है तो फिर देखते हैं कंपेयर करके ऑफिशियल जो की है उसमें क्या इशू होंगे। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी आते हैं, बस बेसिक की बेसिक पढ़ा होना चाहिए, बस हर चीज़ हर टॉपिक का पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। जनरली अगर मैंने शुरू किया था जैसे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उस पर वीडियोस पढ़ा रहा था, बट स्टूडेंट जो है वो देखते नहीं ऐसी वीडियो, उनको चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो डालते हैं तो वो मैक्सिमम स्टूडेंट देखते हैं, बट वो एक अच्छा तरीका नहीं है पढ़ने का। टॉपिक की पढ़ लिया करो, जब भी मैं कोई टॉपिक अपलोड करता हूँ उसे ज़रूर देखा करो, ठीक है, उससे बेनिफिट होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बेनिफिट नहीं होता है, ये इस बात को दिमाग में बिठा लो अच्छे से, ठीक है। टॉपिक का पढ़ो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को नहीं पढ़ो, अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी टाइम है, हर टॉपिक को पढ़ो, ठीक है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अगर आपको बेनिफिट हुआ होगा, आपको लग रहा है कि ये आंसर ठीक है, तो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, गुड लक।